विधानसभा चुनाव को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की एक बड़ी मीटिंग चल रही थी, कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जो एक बड़ी फैसला ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो बंद कमरे में तकरीबन 2 घंटा से इसी मंच पे मीटिंग चल रहा था पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, अब जो है उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि अभी जो फिलहाल है वो इस विषय पर नहीं सोचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपसी तकरार जरूर है, इस बात को भी वो मान रहे हैं। लगातार उनके जो अधिकारी है वो साफ तौर पर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो महागठबंधन जो है ICU में चली गई है, ICU से निकालने के लिए तमाम जो घटक दल है कोशिश कर रही है। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कहते हैं जरा सुनिए। किया है कि आप जो भी निर्णय लीजिए हम आपके निर्णय के साथ हैं, ठीक यही निर्णय निर्णय और लेना है मुझको, साथियों ने उसको अधिकृत किया है, निर्णय लेना है समझ जनता का हित सामने रखकर, अपने साथियों का हित सामने रखकर सब हम निर्णय लेंगे फिर आपको बताएंगे। कहा कि निर्णय लेंगे, जो प्रस्ताव आया है उस प्रस्ताव की कॉपी आप देख लीजिए और उसके अनुकूल जब निर्णय लेंगे आपको उसकी जानकारी। लेकिन सर राजद को लेकर आपने अपने भाषण में कहा है कि वहाँ पर कठिनाइयाँ हो रही है, क्या कठिनाई हो रही है, क्या परेशानी हो रही है? हमने कहा कि प्रस्ताव लिया गया है, उसको अधिकृत किया गया है, अब उस प्रस्ताव के अनुसार उसको अधिकार हमारे साथियों ने दिया है, हम सोच समझ के निर्णय लेंगे फिर आपको बताएंगे। असहज महसूस कर रहे हैं कि नहीं राजद के साथ अभी आप फिलहाल? सवाल उस बात का नहीं है, सवाल हमारे साथियों ने अधिकृत किया, उनकी भावना से हम अवगत हुए, बिहार की जनता की भावना भी हम देख रहे हैं, उसके आधार पे हम निर्णय लेंगे, जब निर्णय लेंगे तो आपको बताएंगे। तीसरा मोर्चा का गठन हमने कहा कि साथियों ने उसको अधिकृत किया, हम उस अधिकार के साथ जब निर्णय लेंगे तो हम बता पाए। बहुत बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।